बिजनेस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। ओमिक्रॉन से बचकर, जी हां, ओमिक्रॉन वायरस अब भारत में भी मिल चुका है और इसका खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब तक दुनिया भर के कम से कम 30 से ज्यादा देशों में 375 मामले आ चुके हैं। कोरोना के डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक माने जा रहे इस वेरिएंट की भारत में भी पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के 2 लोगों में इस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना का ये जो बेहद खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये अब भारत में मिल चुका है और ऐसे में अब इसको लेकर सतर्कता और ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में 2 कोरोना केस नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, उसको देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर नए नियम लागू कर दिए हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या क्या नियम लागू किए गए हैं। तो पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं तो आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट के नए नियम लागू किए गए हैं कि या तो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड आप होइए, नहीं तो आरटीपीसीआर जरूरी है। साथ ही 7 दिन होम क्वारंटाइन में होना जरूरी है। अगर बाहर से विदेश से यात्रा कर आ रहे हैं तो 7 दिन होम क्वारंटाइन होना जरूरी है। वहीं 7 दिन सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग भी जरूरी है। तो ऐसे में ये नए नियम, नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब दिल्ली एयरपोर्ट ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिस तरह से क्योंकि अब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ देशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। वो कौन से देश हैं, चलिए वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि किन देशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। तो इसमें चीन, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि उसके अलावा चीन, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के अलावा बांग्लादेश, ब्राजील, यूरोप से आने वाले यात्रियों की भी जांच होगी। तो इन देशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। साथ ही सिंगापुर, यूके, मॉरिशियस, यानी कि इन सभी देशों से आने वाले भारतीयों की या फिर विदेशियों की जांच होगी। बोत्सवाना से भी जो यात्री भारत में आएंगे उनकी भी जांच कराई जाएगी। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या कुछ नियम लागू किए गए, फिर किन देशों से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी ये भी बता दिया। साथ ही आपको चलिए ये बता देते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर कितनी सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर कितनी सतर्कता बढ़ती जा रही है ये भी आपको बताते देते हैं। किस राज्य में किस तरह से सतर्कता राज्य सरकार बरत रही है ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, मुंबई में हाई रिस्क देशों से आए यात्रियों को रहना होगा 7 दिन क्वारंटीन में। ये मुंबई की गाइडलाइंस है। साथ ही सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही जाने दिया जाएगा। यानी कि ये गाइडलाइंस तो मुंबई की है कि इस तरह से आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही जाने दिया जाएगा। साथ ही नोएडा की गाइडलाइंस ये है कि विदेश से लौटे सभी लोगों को जांच कराई जाएगी और सभी यात्रियों को 14 दिनों का होम आइसोलेशन में भेजा गया है। तो ऐसे में ये नोएडा की गाइडलाइंस आपको बता रहे हैं, मुंबई की बताई, नोएडा की बताई। और इस तरह से अब अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ओमिक्रॉन इतना खतरनाक क्यों है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। तो ऐसे में ओमिक्रॉन खतरनाक क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है, दोबारा से हो सकता है, यानी कि जिन्हें पहले कोरोना हो गया उन्हें भी हो सकता है। वैक्सीन के असर की भी जांच जारी है। तो ऐसे में वैक्सीन के असर की जो जांच है वो भी लगातार जारी है। नए वेरिएंट की गंभीरता की जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि इसीलिए इसे इतना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है कि इसकी गंभीरता की अभी जांच नहीं हुई है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराने का डर भी है। भारत में जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके चरमराने का भी डर है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और इसीलिए इसे खतरनाक माना जा रहा है। साथ ही अब आपको चलिए ये भी बता देते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस क्या है, कि किस तरह से अब सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हर अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, हर सरकार है, और अलग अलग गाइडलाइंस जारी कर रही है। लेकिन अब सरकार की गाइडलाइंस क्या है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं।
तो सरकार की गाइडलाइंस में है कि वैक्सीन की दोनों डोज फौरन लगवाएं, ये आदेश दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई है वो लगवाएं, दूसरी डोज में देरी ना करें, यानी कि जो गैप बहुत ज्यादा फर्स्ट और दूसरी डोज में हो जाता है वो ना करें। साथ ही मास्क पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो इसलिए क्योंकि मास्क जो है वो लोगों ने लगाना छोड़ दिया है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए, क्योंकि भारत में जब कोरोना के मामले कम हो गए तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए। वहीं कहा जा रहा है कि हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग भी करें, यानी कि बार बार अपने हाथ धोते रहें। वहीं आपको ये दिखा रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस क्या है। सरकार ने कहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखें ही, दूसरी डोज में देरी ना करें, साथ ही साथ हाथ धोएं बार बार और उसे सैनिटाइज भी करते रहें। तो ऐसे में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं भारत में अब और ज्यादा देखी जा रही है। जिस तरह से कोरोना के मामले कम हो गए थे उसके बाद लोगों की लापरवाही बढ़नी भी शुरू हो गई थी। ऐसे में आपको बता देते हैं कि लगातार कोरोना के कहां अब तक कितने केस मिले हैं, ये भी चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 केस मिले, ओमिक्रॉन की जांच जारी है। तो कोरोना के कहां कितने केस मिले हैं ये बता रहे हैं आपको। मुंबई में 9 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनकी भी ओमिक्रॉन की जांच की जा रही है। साथ ही हैदराबाद में भी 1 पॉजिटिव कोरोना का केस मिला है, वहां पर भी जांच जो है वो जारी है। वहीं गुजरात में भी 1 केस मिला है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरियंट है या नहीं है उसकी भी जाँच की जा रही है। तो ऐसे में ये वो देश है जहाँ पर राज्य है जहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन वो लोग विदेश से आए हैं और सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब आपको चलिए ये भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किन देशों में कितने ओमिक्रॉन केस अब तक मिल चुके हैं। तो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में 183 केस मिले हैं, बोत्सवाना में मिले हैं आपको बता दें 19 केस, नीदरलैंड में 16 केस, हांगकांग में 7 केस, इजराइल में 2, बेल्जियम में 2, यूनाइटेड किंगडम में 32 केस, जर्मनी में 10 केस, ऑस्ट्रेलिया में 8, इटली में 4, चेकिया में 1, डेनमार्क में 6, ऑस्ट्रिया में 4, कनाडा में 7 और स्वीडन में 4, स्विट्जरलैंड में 3, स्पेन में 2, पुर्तगाल में 13, जापान में 2 और रियूनियन फ्रांस में 1 केस मिला है। साथ ही आपको बता दें कि घाना में 33 केस, दक्षिण कोरिया में 3 और नाइजीरिया में 3 केस, ब्राजील में 2, नॉर्वे में 2 केस, अमेरिका में 1 और सऊदी अरब में 1, साथ ही आयरलैंड में यूएई में भी 1-1 केस मिला है, जबकि भारत में 2 केस अब तक ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से क्या गाइडलाइंस है सरकार की, किन देशों में ओमिक्रॉन के किस तरह से केस हैं, साथ ही साथ अब राज्य सरकारों की क्या गाइडलाइंस हैं और ऐसे में टेस्टिंग को लेकर भी क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, किन देशों में कितने केस मिल चुके हैं ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का खतरा अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 30 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है। और भारत में जिस तरह से कल कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन के केस सामने आए, उसके बाद अब हर किसी की चिंता जो है और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बार बार WHO की तरफ से भी कहा जा रहा था इसे बेहद जो है वो खतरनाक वायरस बताया जा रहा था। तो इसको लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। तो चलिए लगातार कोरोना को लेकर स्थिति कैसी है और सरकारें अपने ऊपर क्या कुछ काम कर रही हैं जनता के लिए वो भी जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए मेरी सहयोगी काजोल नारायण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। काजोल, जिस तरह से देखिए ओमिक्रॉन के कल कर्नाटक से 2 मामले सामने आए, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक जैसे सिचुएशन बनी हुई है, वो इसलिए क्योंकि लगातार WHO की तरफ से ही कहा जा रहा था कि ये बेहद ही खतरनाक है। बिल्कुल पारुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल 2 मामले सामने आए भारत में, इसे जरूर कहा जा सकता है कि लोगों में एक दहशत की स्थिति है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम लगातार अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जानकारी जरूर लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन हमें भ्रम और डर नहीं फैलाना है। देखिए हाँ, ये बेहद खतरनाक है, लेकिन जरूरी है कि हम सावधान रहें। लगातार राज्य सरकारें, केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तमाम बड़े फैसले लिए हैं, राज्य सरकारें तमाम दिशा निर्देश, आप भी बता रही थी, चाहे वो नोएडा के हों, दिल्ली के हों, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, यहाँ पर भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है दिशा निर्देश।
निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो बाहर की फ्लाइट से लोग आए हुए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा अगर फारूक देखा जाए तो ये बेहद खतरनाक है और दहशत इसलिए है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का जो कहर है वो हम देख चुके हैं, सह चुके हैं और वो गम जो है उसे भुलाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से डर है। लेकिन पारुल हम लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि विशेषज्ञ कहते हैं कि ये खतरनाक है, ये एक बार में बहुत लोगों को संक्रमित कर सकता है, एक व्यक्ति से 20 लोग संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इसके जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी वैसी तबाही ओमिक्रॉन नहीं मचा सकता, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ओमिक्रॉन पॉजिटिव जरूर कर सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल काजोल, लगातार लक्षण के बारे में जो है वो जानकारी मिल रही है और इस वेरिएंट को लेकर हर रोजाना नई नई जानकारियां मिल रही है। लेकिन देखिए भारत सरकार के सामने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती भी इसलिए है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट पर तो काबू पाना है, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए क्रिसमस भी आने वाला है, फिर न्यू ईयर आने वाला है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो घरों से बाहर जाते हैं, पार्टीज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और अगर न्यूयॉर्क क्रिसमस की बात ना की जाए तो उसके बाद आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बिल्कुल पारुल, इसलिए जरूरी है कि सरकारी अभी से ही अलर्ट हो जाए, अभी से ही निगरानी रखनी जरूरी है। जितने भी लोग पिछले महीने बाहर से आए हैं, जिन जिन जो रिस्क देश है वहां से आए हैं, उनकी एक लिस्ट इसलिए तैयार की जा रही है। और रही बात आपने कि न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में जो जनता है बाहर निकलती है। देखिए 2 सालों से त्योहार उतने अच्छे तरीके से नहीं मनाए जा रहे हैं, लेकिन इस साल थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से डर बना हुआ है। लेकिन अगर हम सरकार के साथ पूरी तरह से साथ मिलकर चलते हैं और जो सरकार के गाइडलाइंस हैं, जो नियम बनाए गए हैं कोरोना को लेकर, अगर उनको फॉलो करते हैं तो हम आसानी से क्रिसमस भी मना सकते हैं, न्यू ईयर भी मना सकते हैं। और रही बात 5 राज्य में चुनावों की, तो हाँ बिल्कुल बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो ऐसे में हमें अभी से ही सुरक्षित रहना है, आने वाले समय में वो चीजें ना दिखाई दें जिससे वैसा खतरा बन पाए, तो ऐसे में अभी से सावधान। देखिए चाहे आप कहीं भी जाए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचकर रहें, जरूरी हो तो बाहर ना निकले, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, और अगर आप तमाम सरफेस को छू रहे हैं तो बार बार हाथों को जरूर धोएं, ये बेहद जरूरी है। बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत है तो फिर आप कम बीमार पड़ेंगे और ये जो संक्रमण है आपको अपनी जद में कम लेगा। इसलिए लगातार WHO भी कह रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक है। जी ठीक है काजोल, काजोल ठीक है, आप बनी रहिए मेरे साथ। डॉक्टर चिन्मय फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ और जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर चिन्मय, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। डॉक्टर चिन्मय जी, डॉक्टर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर चिन्मय। लेकिन देखिए जिस तरह से कल कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं, कितनी टेंशन लेने की बात है या फिर हमें ज्यादा नहीं डरना चाहिए? देखिए कर्नाटका में जो 2 केस आए हैं जो कि कंफर्म ओमिक्रॉन के केसेस हैं, उसमें से एक तो अपने इंडियन है और एक फॉरेनर है। देखिए नुकसान तो है कि ओमिक्रॉन केसेस, ये हमारे लिए एक तरह की खराब खबर है कि ओमिक्रॉन के केसेस यहाँ पे इंडिया में भी आ गए हैं, जो पहले साउथ अफ्रीका में आया, फिर यूरोप में गया, फिर इंडिया में आ गया। देखिए हम लोगों को और सरकार को, दोनों को बहुत जरूरी है कि अभी से हम लोग बहुत सतर्क हो जाएं और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और जो भी फॉरेनर, जो भी प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनको स्क्रीन करें, उनको क्वारंटीन करें। अभी मैं देख रहा था कि लाइव अपडेट में कुछ 28 जो लोग हैं महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए पाए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र आपको पता है पिछले सेकेंड वेव में, डेल्टा वेव में महाराष्ट्र का बहुत हाई नंबर रहा था ट्रांसमिशन में और बाकी इन्फेक्टिविटी में, डेथ रेट में स्पेशली। घबराने की बात देखिए जहां तक है भी और नहीं भी है। घबराने की बात इसलिए है क्योंकि ये हाईली इन्फेक्टिव वायरस है, हाईली इन्फेक्टिव म्यूटेंट है, ट्रांसमिशन रेट इसका 20 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेल्टा वायरस। लेकिन पैनिक होने की बात नहीं है, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स अभी तक पाए गए हैं, इट इज नॉट दैट, इसका डेथ रेट जो है उतना ज्यादा नहीं है जितना डेल्टा वायरस का था, उतना घातक नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं पेशेंट्स में। दूसरा जो जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, जिन जिन लोगों को शुरुआत में वैक्सीनेशन हुआ उनका एंटीबॉडी चेक करके उनको बूस्टर डोजेस को हम लोग
जिनको शुरुआत में लगाता है, चाहे वो गवर्नमेंट वर्कर्स हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हो, नर्सेस हो, एवरीवन। यानी कि डॉक्टर चिन्मय, कहा जा सकता है कि बूस्टर डोज की इस वेरिएंट के लिए जरूरत पड़ेगी? तो जरूरत पड़ेगी, बूस्टर डोज से लगनी ही लगनी है। जैसे हम लोगों का, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा की बूस्टर डोज लगती है एवरी ईयर, वैसे ही कोविड की हम बूस्टर डोज हमेशा लगती रहेगी, हर 6 महीने पे, हर 8 महीने पे, हर 9 महीने पे, जो सरकार डिसाइड करेगी उस हिसाब से लगती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर चिन्मय, यहाँ पर एक बात और देखिए, लगातार अभी तक बहुत ज्यादा परफेक्ट स्टडी तो इस वेरिएंट को लेकर नहीं हुई है, लेकिन बार बार जो है कहीं ना कहीं से जानकारी जो है थोड़ी थोड़ी निकल रही है। अब इसके वेरिएंट के लिए कहा जा रहा है कि तेजी से फैलता तो है जिस तरह से, देखिए आपने भी बताया, लेकिन इसमें डेथ रेट जो है वो थोड़ा कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेथ रेट हमेशा कम होगा इसमें। अभी तक जो भी हम लोग को नई नई उसमें पता लग रही है, अपडेट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से जैसे यूरोप में है, डेथ रेट इसका काफी कम है, सिम्टम्स ज्यादा नहीं आते हैं, लंग्स में इफेक्ट कम करता है, तभी इसमें पेशेंट सीरियस और हॉस्पिटलाइजेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारे एल्डरली लोग हैं, लाइक जो कोमोबिलिटी से हार्ट के बीमारियां हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको तो ध्यान रखना ही है, बाहर कम से कम निकले। थोड़ा सेकेंड वेव ठीक होने के बाद थोड़ी मास्क की आदत कम हो गई है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मास्क पहनना शुरू कर दें फिर से, जो लोग नहीं पहन रहे हैं, भीड़ वाले इलाके में निकलना कम से कम कर दें, क्योंकि देखिए जितना कम फैले उतना अच्छा है हमारे इंडिया के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर चिन्मय, लेकिन देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा था कि ऐसे में बार बार जो है कि जो लोग पहले से जिनको कोविड हो चुका है उनको भी अब ये संक्रमित कर सकता है, और आपने भी कहा कि जिस तरह से जिन लोगों को किसी तरह की बीमारी है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, उन्हें भी ये संक्रमित कर सकता है, तो लेकिन क्या अभी तक ऐसा स्पेसिफिक कोई एज ग्रुप का पता चल पाया है जिस पर ये सबसे ज्यादा असर करेगा? देखिए पारुल जी, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है अभी तक, लेकिन मोर देन 40 ईयर ओल्ड जो भी लोग हैं उनको अपना अपना ध्यान रखना है, क्योंकि 40 ईयर ओल्ड में थोड़ा सा इम्यूनिटी डाउन होने शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके, और स्पेशली